हेलो दोस्तों, आज जो बताने वाला हूँ मशीन शॉप के अंदर और एक बहुत यूजफुल मशीन है जिसका नाम है मिलिंग मशीन। बेसिकली मिलिंग मशीन जो है, इसका जो फंक्शन है बहुत ट्रिपिकल फंक्शन है। गियर कटिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है, वार्म कटिंग करने के लिए, हेलिकल कटिंग करने के लिए, सरफेस फिनिश करने के लिए, टी स्लॉट काटने के लिए, जो भी कुछ होता है इसमें हर पॉइंट न्यूमेरिकल बेस है। सबसे पहले उसमें कैलकुलेशन किया जाता है, उसका पूरा डेटा को, जो भी कुछ आपको काटना है, बनाना है, उसके बाद ही उसका प्रोसेस शुरू होता है। तो जो वर्कशॉप के अंदर सबसे न्यूमेरिकल मशीन जो है, न्यूमेरिकल बेस जिसमें हर पॉइंट पे फॉर्मूला जरूरत पड़ता है, उस मशीन का नाम है मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन बेसिकली 2 टाइप्स में यूज सबसे ज़्यादा होता है, एक वर्टिकल मिलिंग मशीन, एक हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, जिसको ओवरऑल कहलाता है यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। यूनिवर्सल मिलिंग मशीन जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, जो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन है, अभी ये जो पोजीशन दिख रहा है जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, जिसका काटर ऊपर दिख रहा है, वर्किंग टेबल है, नी है, बेस है, कॉलम है, टेलीस्कोपिंग शाफ्ट है, गियर मैकेनिज्म है, कटर है, स्पर्गियर कटर लगा हुआ है। तो ये जो ओवरहेड आर्म है और इंडेक्सिंग आपके सामने दिख रहा है, जो सिंपल इंडेक्सिंग का हमारा इंडेक्सिंग बॉक्स, गियर बॉक्स लगा हुआ है, ये सभी मिलिंग मशीन का एक पार्ट है, जिसका बिना मिलिंग मशीन नहीं चल सकता। दोस्तों, ये इसका बेसिक जो है, बेसिक हर डिवाइस का अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग वर्क करता है। टेलीस्कोपिंग शेप उसका अलग का फंक्शन है, वर्किंग टेबल उसका अलग फंक्शन है, जो नी है उसका अलग फंक्शन है, ओवरहेड आर्म है उसका अलग फंक्शन है, सभी अलग अलग। ऑलरेडी दोस्तों इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना के रखा, अच्छा लगे जरूर देखिए। आज जो बताना है जो फॉर्मूला बेस मिलिंग मशीन है, वो क्या फॉर्मूला है जिसमें आपको कैलकुलेशन करना होता है, वो चीज़ को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आज। दोस्तों, सबसे पहले बताता हूँ, मेरे पास एक चार्ट है जिस फॉर्मूला है कुछ, वो जिसका नाम है मिलिंग मशीन का कटिंग स्पीड, फीड, स्पिंडल स्पीड, टाइमिंग, डेप्थ ऑफ कट, ये सब जो कैलकुलेशन होता है वो कैसे होता है। देखिए दोस्तों, एक नंबर पे लिखा हुआ है कटिंग स्पीड, जो डिनोटेड होता है बी से। कटिंग स्पीड डिनोटेड, कोई भी मशीन पे कटिंग स्पीड में जाएगी उसका डिनोटेड होता है बी से, पाई डी एन बाई 1000। पाई डी फॉर डायमीटर ऑफ कटर, एन फॉर आरपीएम ऑफ स्पिंडल, डिवाइड बाई 1000 कटिंग स्पीड। ये कोई भी मशीन का फॉर्मूला एक ही होता है, जहां रोटेटरी मोशन है उसमें फॉर्मूला यही होता है कटिंग स्पीड का, पाई डी एन बाई 1000, डी फॉर डायमीटर ऑफ कटर, एन इज आरपीएम। स्पिंडल स्पीड जो इनोटेड होता है एन से, मशीन कोई सा भी हो, स्पिंडल स्पीड एन, 1000 इंटू कटिंग स्पीड, दैट इज बी, डिवाइड बाय पाई इंटू डी, 1000 इंटू बी डिवाइड बाय पाई इंटू डी, 1000 इंटू कटिंग स्पीड डिवाइड बाई पाई इंटू डी, डी फॉर डायमीटर ऑफ कटर। फीड रेट ऑफ कटर, फीड रेट क्या रहेगा, ये डिपेंड करता है। नॉर्मली फीड रेट जो है वो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, सॉफ्ट मेटल कि हार्ड मेटल, उसके ऊपर आपको जो फीड है, जो टेबल के हाथ से घुमा के देना होता है टेबल से, उसके ऊपर टेबल फीड डिवाइड बाई एन, एन इज ए स्पिंडल स्पीड, टेबल फीट डिवाइड बाई एन, एन इज ए स्पिंडल स्पीड, ये दोनों का जो रेशियो है फीड रेट ऑफ कटर, इसको कहलाता है फीड रेट ऑफ कटर, कितना फीड में कटर को चलाना है, टेबल फीट डिवाइड बाई एन, मतलब एफ बाई एन। टूथ कांस्टेंट एंगल, जो कटर जो एंगल पे टच करेगा ऑब्जेक्ट, उसको बोलता है टूथ कॉन्ट्रैक्ट एंगल, टूथ कॉन्ट्रैक्ट एंगल फा, जिसको डिनोट होता है फा से। कॉस इनवर्स डी माइनस डी सी डिवाइड बाई डी, कॉस इनवर्स जिस पॉइंट पे कटर ऑब्जेक्ट को टच करेगा जिसको कहलाता है टूथ कॉन्ट्रैक्ट एंगल, टूथ कॉन्ट्रैक्ट एंगल जो डिनोट होता है फा से, कॉस इनवर्स डी माइनस डी सी डिवाइड बाई डी, डी मतलब कटर का डायमीटर, डी सी मतलब कटिंग डेप्थ ऑफ कट, डीसी मतलब डेप्थ ऑफ कट डिवाइड बाई डी मतलब कटर का डायमीटर। इसके बाद आता है चिप थिकनेस, कितना होगा, कितना चिप्स निकल के आएगा। चिप थिकनेस डिनोट होता है टी एक्स, chip thickness denoted by Tx. Ft into sin phi, Ft into sin phi जो डिनोट होता है Ft into sin phi. Ft होता है फीड रेट ऑफ टूथ. F इज ए टेबल फीड, N इज ए स्पिंडल स्पीड, Z इज ए नंबर ऑफ टूथ ऑफ कटर. इसके बाद T Ft into sin phi. Ft का फॉर्मूला होता है F बाई N बाई Z. F बाई N बाई Z. F इज ए टेबल फीड, N इज ए स्पिंडल स्पीड, Z इज ए नंबर ऑफ टूथ कटर. नंबर ऑफ टूथ कितना टूथ काटना है. इसके बाद होता है अप्रोच डिस्टेंस. अप्रोच डिस्टेंस जो है वो डिनोटेड होता है ए से. अंडर रूट डी ब्रैकेट में डी माइनस डी. डी इज ए डेप्थ ऑफ कट. कैपिटल डी, कैपिटल डी जे दोस्तों डायमीटर ऑफ कटर. तो अंडर रूट डी ब्रैकेट डी माइनस डी. इसके बाद होता है टाइम फॉर मेशिनिंग, कितना समय लगेगा उसको कट करने के लिए. उसका फॉर्मूला है एल प्लस टू इंटू ए. एल प्लस टू इंटू ए डिवाइड बाई एफ इंटू जेड इंटू एन. तो एल इज लेंथ, कितना लेंथ तक काम करना है, कितना विड्थ तक, कितना चौड़ाई काम करना है. अप्रोच ऑफ डिस्टेंस ए. एफ इज ए टेबल का फीट, जेड इज ए नंबर ऑफ टूथ कटर का, एन इज ए स्पिंडल आरपीएम, कितना स्पीड में स्पिंडल घूम रहा है. L प्लस टू इंटू ए एफ इंटू जेड इंटू एन. ये फॉर्मूला जो है मिलिंग मशीन पे, ये जो 7 पॉइंट है बहुत जरूरत है, इसका बिना मिलिंग मशीन चल ही नहीं सकता दोस्तों. तो ये कोई भी चीज आपको कैलकुलेशन करना है इसमें से ही निकलना पड़ेगा. जिस फॉर्मूला मैंने ये दिखाने की कोशिश किया, बताने की कोशिश किया, इसके बाद मैं मशीन पे आपके जाकर दिखाने वाला हूँ वो होता कैसे है. सबसे पहले दोस्तों जो चीज बताने वाला हूँ जिसका नाम है कटिंग स्पीड. कटिंग स्पीड दोस्तों डिसाइड होता है ये जो स्पीड, ये जो स्पिंडल है, इस स्पिंडल में जब मशीन चलता रहेगा क्लॉकवाइज एंटीक्लॉकवाइज और टेबल का जो फीड होगा, ये टेबल जो आपके सामने देख रहे टेबल का फीड हो रहा है, ये दोनों का रेशियो जो है उसको कहलाता है कटिंग स्पीड. ये घूम रहा है कटर हमारा एकदम घूम रहा है, और जो मैं टेबल को आगे पीछे कर रहा हूँ, ये टेबल को आगे पीछे कर रहा हूँ, ये दोनों को रेशियो में बनता है कटिंग स्पीड. स्पिंडल स्पीड कैसे डिसाइड होता है? स्पिंडल स्पीड 1000 इंटू सी एस. स्पिंडल स्पीड मतलब ये जो है ये हमारा गियर बॉक्स है. गियर बॉक्स में आपको डिसाइड करना है ऑब्जेक्ट का हार्डनेस कितना है, सॉफ्ट मेटल है कि हार्ड मेटल है, उस हिसाब से गियर बॉक्स में आपको सेट करना होगा. तो इसका स्पिंडल जो है अलग अलग होते जाएगा. आपको 200 आरपीएम में चलाना है, 400 आरपीएम में चलाना है, 600 आरपीएम में चलाना है, जितना भी चाहिए वो यहाँ से डिसाइड हो जाएगा और उसका कटिंग स्पीड निकल के आ जाएगा. फीड रेट ऑफ कटर, फीड रेट ऑफ कटर कैसे होगा? ये हमने टेबल को घुमा रहा हूं और ये स्पिंडल घूम रहा है, ये कितना स्लो चला रहे हो आप, ये धीरे धीरे चला रहा हूं, अभी ये जल्दी जल्दी चला रहा हूं दोस्तों, ये जल्दी जल्दी चला रहा हूं, ये होता है फीड रेट ऑफ कटर. ये स्लो चला रहा हूं दोस्तों, ये जो स्लो चला रहा हूं दैट इज ए फीड रेट ऑफ कटर. टूथ कॉन्टैक्ट एंगल मतलब ये जो टूथ है, कटिंग टूथ दिख रहा है आपके सामने, ये जब ऑब्जेक्ट में आके टच करेगा, जिस एंगल पे ऑब्जेक्ट में टच किया, जिस एंगल में टच करता है उसको कहता है टूथ कॉन्टैक्ट एंगल फा. टूथ कॉन्टैक्ट, ये मैंने ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को टच किया, ये सब जिस एंगल में टच करेगा जिसको कहता है फा. कॉस इनवर्स डी माइनस डी सी डिवाइड बाई डी. चिप थिकनेस, कितना थिकनेस में चिप्स मटेरियल निकलता है, एफ टी इंटू साइन थीटा साइन फा. अप्रोच डिस्टेंस, अप्रोच डिस्टेंस का अंडर रूट डी माइनस डिस्टेंस. मशीनिंग टाइम, कितना समय लगेगा आपको, जैसा ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को फिनिश करने के लिए कितना समय लगेगा, एल प्लस टू इंटू ए डिवाइड बाई एफ इंटू जेड इंटू एन. तो ये जो पार्ट्स है मशीन के अंदर, जो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन जो आपके सामने दिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, इसमें कोई भी चीज आपको कट करना है, जैसा मान लीजिए ये चीज को कट करना है, इसमें एक पॉइंट जितना हमने बताया सभी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तभी पता लगेगा इसको फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा, कितना डेप्थ ऑफ कट देना है, स्पिंडल स्पीड कितना देना है. जैसा मान लीजिए आपको गियर है, इस गियर को आपको बनाना है, तो इस गियर का सबसे पहले आपको डायमीटर सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपको कटिंग स्पीड सिलेक्शन करना पड़ेगा, स्पिंडल स्पीड सिलेक्शन करना पड़ेगा, फीड सिलेक्शन करना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा बनाने के लिए ये भी डिसाइड करना पड़ेगा. तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये पूरा कैलकुलेशन पार्ट है, मैंने एक एक चीज बताने के। उसके बाद इंडेक्सिंग करना, आपको गियर कटिंग करना है तो इंडेक्सिंग करना पड़ेगा, सिंपल इंडेक्सिंग, कंपाउंड इंडेक्सिंग, गियर इंडेक्सिंग, जो भी है, जो भी आपको चॉइस में आएगा वो पूरा प्रोसेस यहाँ करना होता है। ये न्यूमेरिकल बेस है पूरा, तो एक एक पार्ट्स मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया, कैलकुलेशन कैसे करना है, फॉर्मूला कैसे करना है, चिप थिकनेस कैसे निकलता है, फीड रेट कैसे निकलता है, स्पिंडल स्पीड कैसे निकलता है, कटिंग स्पीड कैसे निकलता है, टाइमिंग फॉर मशीनिंग कितना निकलता है, हर पॉइंट न्यूमेरिकल है, मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया। इसके बाद दिखाऊंगा मशीन को, थोड़ा सा पास में से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिस प्रोसेस में होता है। ये हमारा इंडेक्सिंग बॉक्स है, ये हमारा स्पर्गियर कटर लगा हुआ है, स्पर्गियर कटर स्पिंडल है, दैट इज ओवरहेड आर्म है, ये हमारा टेबल है जो इसको कहलाता है फीड टेबल, ये हमारा फीड टेबल है, ये जो आपके सामने दिख रहा है इसका, ये हमारा फीड टेबल है, नी है, एलिवेशन स्क्रू है, ये हमारा पंप है, कूलेंट पंप, ऑयल दिख रहा है इसका, गियर बॉक्स का ऑयल दिख रहा है, हर पॉइंट पे आपको दिखाने के बाद। इसके बाद आपको जो फीड है, स्पीड है, स्पीड दोस्तों यहाँ से डिसाइड होता है, ये दोनों आपका जो लीवर है, ये लीवर डिसाइड करेगा जो स्पिंडल, ये जो स्पिंडल दिख रहा है इसका स्पीड कितना होगा, ये दोनों गियर इसका चार्ट लगा हुआ है, ए बी सी डी पोजिशन में चेंज करते बराबर ये जो स्पिंडल दिख रहा है इस स्पिंडल का स्पीड फाइनल हो जाएगा। ये हमारा टेलीस्कोपिंग शेफ्ट है जो ऑटोमेटिक जो फीड है टेबल का, ये जो टेबल है इसका ऑटोमेटिक फीड डिसाइड होता है यहाँ से, जिसका नाम है टेलीस्कोपिंग शेफ्ट, ये टेलीस्कोपिंग शेफ्ट के लीवर है। इसका हर पॉइंट मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया जो बेसिकली मशीन पे जरूरत पड़ता है, मिलिंग मशीन पे, वो मैंने दिखाया। उसका फार्मूला जो जरूरत पड़ता है वो भी मैंने दिखाया, ये हमारा फार्मूला है जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फार्मूला से पूरा खेल होता है दोस्तों, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, समझा, इसलिए मैं आपको बना के दिखाने की कोशिश किया। दोस्तों अच्छा लगे जरूर कॉमेंट भेजिए, लाइक करें, थैंक यू।